भाण और भाईओ, थन सबने राम राम। आज थाने मैं एक गौ माता की कहानी सुनाऊ सो, थमे ध्यान से सुनो। तो भाई एक जमींदार सो, वो कहे एक बेटो सो, तो वह नहा धो के तैयार हो के अपने सासर जा रहे सो। सासर जा रहे हो तो गौ माता पानी पी बाटे एक समुंदर के मायने चली गई आ गई सी। गयो तो भाई वह तालाब में गौ माता पानी पी रही थी और पीता पीता वह टहलती गई तो वह गारामों का पग चला गया और वह अपने नहा धो कर सिंगर का जा रहे थो। तो बोले रे भाई जा बाड़ा, तुम उन्हें मैं काट ले और मैं तो दुख पा रही छूँ और मैं तो डूबूंगी कसे। बोल भाई मैं तुम्हें काट दूंगा ना, इतना तो मेरे सास रे पूछूंगो और मेरा तो कपड़ा गंदा हो जाए कसे, मैं तो कौन काट दूँ। वो भाई नट कर चले गए। फिर गौ माता बोली भाई ना काटना तो तुम मैं शराब दी हूँ, जा कसे तू सवा फैर दिन चढ़ागू ना, जब तू कसे गदो बन जाएगा। तो वह वो माता की आवाज़ सुनी तो वह उल्टो बावड़ियो। जब तक वह उल्टो बावड़ियो इतरे भाई गौ माता डूबगी सी गार में डूबगी। तो भाई वह चले गयो जाकर भाई वो सासरा का मायने चाय पानी करी उन्हें बैठायो और वह कश्यो तो बैठे वा तो उनका तो चिंता होगी ना, तो वह चाय पानी पियो ना खानू खाए। तो उनकी बेटी ने बोले बोल बेटी तू ही बूझ कस है, जवाई जी ना तो खाए ना पियूँ या के बात चिंता सी और चढ़ का। तो वो तो जा भाई जा बाकी रिट लगा ली नहीं अख जल्दी चाल। तो भाई वाह बाप कहो तो बेटी जार बुझी उन्हें अख थम कहियाँ तो कोने खाओ रोटी राटी और थम कहियाँ बोले उदास हो रहा थू। वह सारी बात बताई गौ माता की और बताताई बेटी जार बोले हे पिताजी मुने तो अभी अब विदा करो और मैं तो अभी ले कर जाऊँ उनके साथ ही जाऊँगी। वो तो दोनों जना हो के साथ पहले का जमाना में भाई ना तो गाड़ी घोड़ा था ना और किमी छो, पैदल चाल बो करता। तो वह तो शाम ने चाल पड़िया फिर जाके आगे सी गया। तो भाई रात होगी तो सारी रात चालिया। वो तो सवा फैर दिन छड़ता ही भाई वह तो गदो बन गो। तो बेचारी अब दुखी होगी, अब कौन रोटी दे सै, आपका कुणबा नहीं कौन पाल सके, तो भाई दूसरा का कुणबा ने कौन पाले कौन खुआवे। तो अब बेचारी एक दिन राजा का दरबार में कुओ खुदरियो थो। तो भाई उड़े नौकरी करवा चली गई, गदा ने साथ लीन गई और टोकरी भर भर गे रहे। तो राजा का वो कर्मचारी सब बोला ये बेरो तेरे कने गदोस है, जब भी तू सिर पर बोध धरे एक माल भर भर धर बोलो दूना पैसा कमाओगी। तो बोले भाई या गदो को नहीं मेरे पति है, अँ पर बोध धरूँ तो कहीं धरूँ, एक पत्नी को धर्म वो है पति का माल वजन कहीं धरा कस है। तो भाई राजा ने बेरो पड़ो, राजा ने खबर होगी एक भाई नौकर कर रहे सो काम है और उनको पति गधो बन रहे से। तो राजा उन्हें दरबार में बुलायो, बोले बेरा बता कहीं हुई हो तेरो पति गधो। तो वह सारी बात राजा ने बताई और बता कर राजा ब्राह्मणा ने बेड़ा करया, पांच चार ब्राह्मणा ने बुलाया। मैं एक ब्राह्मण छट्यो बोले भाई बताओ इनको शराब कहीं उतरे गो। तो बोले भाई राजा शराब तो उतर जाएगो पर इनको शराब कोई 101 करोड़ी है और उनको धर्म दे देने तो बोले इनको शराब उतर जाए। तो बोले या बोलो जेठ बैसाख की 11 है और जेठ बैसाख की 11 ने बोलो धर्म कोई करोड़ी बस है जे कोई धर्म लागू हो सकस है। तो बोले भाई पूरी नगरी के मायने डंडूरो पिटवा दियो। तो एक बूढ़ी माई आई बोले महाराज मैं कर रहा था 101 निर्जला, तो मैं मेरी जेठ की 11 को मैं धर्म इन्हें दूंगी और बोलो सारो धर्म में रोई ने दे दूंगी, मैंने भगवान के घर मौत मिल जाएगी। तो भाई वाह बुढ़ी उनको धर्म दे दियो और बुढ़ी अपना भगवान के घर सुरग में चली गई। तो ये बहनों और भाइयों कोई भी 11 माता को व्रत करे और गौ माता की बात माननी चाहे, गौ माता की सेवा करनी चाहे और 11 को जेठ बैसाख की 11 तो जरूर या कहानी सुननी चाहिए और व्रत करनी चाहिए 11 माता को। कोई भी 11 को व्रत करे से तो बहुत ही धर्मोच है। और धन राम राम, सबने मेरी कहानी सुन ली।